प्रेगनेंसी से बचने के लिए अगर आपने अनवांटेड 72 को लिया है तो इससे पीरियड्स पे क्या असर पड़ेगा, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं बहुत कम शब्दों में कि अनवांटेड 72 को हम तभी लेते हैं जब हमें प्रेगनेंसी से बचना होता है, यानी ऐसे दिनों में संबंध बना है जिन दिनों में कंडोम यूज करना चाहिए, यानी अनसेफ डेज। इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अनसेफ डेज का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि किन किन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी होती है और किन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती। वेल, अगर आपने प्रेगनेंसी से बचने के लिए अनवांटेड 72 को लिया है तो उसका एक क्राइटेरिया ये है कि वो तब ली जाती है जिस दिन आपका कॉन्टैक्ट हुआ है, जिस समय पे कॉन्टैक्ट हुआ है उससे आने वाले जो 72 घंटे होते हैं उनके अंदर ही उसको लेना होता है, इसीलिए उस टैबलेट का नाम होता है अनवांटेड 72। वेल, अगर आपने वो ली है या आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पीरियड्स पे कुछ फ़र्क पड़ते हैं और इससे पीरियड की लेंथ पर भी फ़र्क पड़ सकता है, यानी जिस समय पर रेगुलर पीरियड होता है माइट बी पॉसिबल कि उस समय पर पीरियड नहीं होगा, ये भी हो सकता है कि उस समय से पहले पीरियड हो जाए। वेल, इस हार्मोनल टैबलेट की वजह से कभी कभी ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, अगर एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होती है तो ऐसे में आपको अपने हेल्थ प्रोवाइडर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए और मिलना चाहिए, और उन दिनों में आपको अपने खाने पीने पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ग्रीन लीव्स और हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आयरन की कमी ना हो। वेल, इस टैबलेट का नाम एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो ये टैबलेट हमेशा एमरजेंसी यानी कभी कभार जब बहुत इमरजेंसी हो तभी लेना चाहिए, अदरवाइज आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए पीरियड्स के बारे में जिससे कि इस टैबलेट्स को हमेशा लेने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। तो सेफ डेज और अनसेफ डेज के बारे में पूरी जानकारी रखिए, जिसकी जानकारी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, तो आई होप सो कि वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वेल, नए वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।